हेलो एवरीवन, माई सेल्फ माधवी भारद्वाज, वेलकम टू भारद्वाज क्लासेस। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन से रिलेटेड बात करी थी। वहां पे हमने मेथड डिस्कस किए थे कि किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमने हिट एंड ट्रायल मेथड किया था और मिडल टर्म स्प्लिटिंग किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल के बारे में बात नहीं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन गिवन आता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिफिकेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही यूज करना है, ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे इसके मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने हैं। तो आप किस तरीके से करेंगे, देखिए पहले इसकी जो हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती थी क्वाड्रिफिकेशन की, वो क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए आपको क्या मिलेगा, 1, और बी -3, और जो सी है वो क्या मिलेगा आपको, -10। ठीक है, अब यहाँ पे जो बी टर्म है हमें उसी को स्प्लिट करना है। किस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब भी आप उन दोनों जो पेयर आपके पास आएगा, आप उन पेयर को यूज करोगे तो आपको -3 मिलना चाहिए। कब, जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं। बट जब आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए, ए और सी से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है, जैसे पी प्लस क्यू, यहाँ पे क्या होगा, आप -3 है, ठीक है, इट मीन्स इक्वल्स टू बी। जो सम होगा वो किसके इक्वल होता है, आपके बी के इक्वल होता है। लेकिन जो हम पी एन क्यू फाइंड आउट करते हैं, वो पी एन क्यू क्या होता है, ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ए क्या है यहाँ पे, 1, और सी क्या है, -10। इट मीन जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, -10 मिलेगा। और यहाँ पे जो पी एन क्यू है, पी एन क्यू वो पेयर है जो आप सेलेक्ट करते हैं जब आप प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर से हमें ये पेयर सेलेक्ट करना है कि जिस पेयर को जब आप यूज करो तो एडिशन से आपको क्या मिले, -3 मिले, और जब आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करो तो आपको क्या मिले, -10 मिले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है, आपके पास 10 है। इतनी आपको 10 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने, और जो प्राइम फैक्टर्स आपके पास आएंगे उस प्राइम फैक्टर से आप पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 10 के 2 5 10 और 5 1 5। अब देखिए यहाँ पे जो पॉसिबल फैक्टर है 10 के, वो 2 एंड 5 ही होंगे। तो आपको 2 एंड 5 को इस तरीके से यूज करना है कि आपको जो पी प्लस क्यू मिले वो -3 मिले। ठीक है, तो देखिए पी प्लस क्यू आपको क्या करना है, -3 लेके आना है। इट मीन्स आपके पास जो माइनस जो नंबर होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, और क्यू क्या होना चाहिए, +2। ठीक है, क्योंकि जब आप -5 +2 करेंगे देन आपको -3 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यूज करना है। तो इसी इक्वेशन को, जो हम ये रिलेशन यूज कर रहे हैं, इसी रिलेशन को हम यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, -5 +2 आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, और जब आप -5 × 2 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, -10 मिलेगा, जो कि ये कंडीशन जो है पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए आप किस तरीके से लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, आपको क्या चाहिए, -3 चाहिए। तो -3 के लिए आप इसको क्या लिखेंगे, -5x + 2x -10 = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर -5x में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, x -5। यहाँ से 2 कॉमन लिया, x -5। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट टर्म सेम है, तो ब्रैकेट टर्म जो सेम है आप उसको कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट टर्म को आपने कॉमन लिया तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बची वो क्या रही, x+2 = 0। ठीक है, अब यहाँ से आप वो फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप =0 पुट कर देंगे, x+2 = 0। ठीक है, इट मीन यहाँ से x = 5 मिलेगा, और यहाँ से x = -2। इट मीन जो ये इक्वेशन है आपके पास, x²-3x-10 = 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो फैक्टर मिले हैं वो क्या है आपके पास, x = 5 और x =
माइनस टू, इट मीन जो एक्स इज इक्वल टू फाइव और जो टू है माइनस टू वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इजिली फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 2x² + x - 6 = 0। अब देखिए इसे हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास ए क्या है 2 और बी 1 और सी क्या है -6। इट मीन जो पी प्लस क्यू जो होता है वो हमारे बी के इक्वल होता है, तो क्या मिलना चाहिए हमें 1, और जो पी इंटू क्यू होता है वो ए और सी का प्रोडक्ट होता है, तो क्या आएगा हमारे पास 2 6 12, ठीक है। तो -12। अब जो हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं पेयर सिलेक्ट करने के लिए, वो किसके करेंगे हम 12 के करेंगे, ठीक है। तो आइए 12 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये हम 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। अब देखिए ये जो भी फैक्टर आपके पास 12 के आए, यहां से हमें वो पेयर बनाना है जो पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब देखिए 2 2 4 और ये 3, ठीक है। अब क्या 4 - 3 मैं करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1, और जब 4 - -3 करते हैं तो क्या मिलेगा 12। इट मीन्स ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो क्यू की वैल्यू हम क्या लेंगे 4 और क्यू की वैल्यू हम क्या लेंगे -3, तो तब हमें क्या मिलेगा +1 मिलेगा। इफ आप -4 लेते हैं और +3 मिलते हैं तो आपको क्या मिलेगा -1 मिलेगा, बट हमें यहाँ -1 नहीं चाहिए +1 चाहिए, तो इसलिए हमें पी जो है वो पॉजिटिव नंबर लेना होगा और क्यू जो है वो हमें नेगेटिव नंबर लेना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1 मिल जाएगा। अब पी इंटू क्यू की कंडीशन देखते हैं, जब आप 4 - -3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा -12 मिलेगा, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। इट मीन जो भी आपने फैक्टर फाइंड आउट किए थे 12 की, उन फैक्टर्स में से 4 और जो 3 है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे वो 4 और 3 के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से लिखेंगे, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0, ठीक है। यहां से आप 2x कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या रहेगा x+2। ब्रैकेट टर्म सेम करनी है तो -3 कॉमन ले लेते हैं, इससे क्या होगा ब्रैकेट टर्म सेम हो जाएगी, x+2 = 0, x+2 2x - 3 = 0। अब यहाँ पे x+2 = 0 होगा या 2x - 3 = 0 होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट आपको 0 मिलेगा, ठीक है। जब आपने x+2 = 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको -2 मिलेगी, और यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी +3 और x = 3/2, ठीक है। तो यहाँ x = -2 और x = 3/2 टू वैल्यू मिल गई जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर होंगे जो आपने मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 3rd पार्ट, √2x² + 7x + 5√2 = 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी √2, ओके, और बी क्या है आपके पास 7 और सी 5√2, ठीक है। इट मीन जो हमें पी प्लस क्यू लेके आए वो किसके इक्वल होगा, पी प्लस क्यू इक्वल होगा बी, इट मीन 7 × q इक्वल होगा a × c के, a × c क्या होगा √2 × 5√2 = 10। तो आपको जो प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं वो 10 के फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, थीके? और प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करके वो पेयर सेलेक्ट करना है जो हमें p प्लस q अप्लाई करने पे क्या दे 7 दे, और p × q करने पर ac, इट मीन्स 10 मिले, ओके। तो 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 2 5 10 और 5 1 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पी प्लस क्यू को जो सेटिस्फाई करेगा वो पेयर क्या है 2 एंड 5, ठीक है। अब 2 और 5 जो है पी प्लस क्यू जब अप्लाई करते हो आप, तो देखिए 2 प्लस 5 2 प्लस 5 आप करोगे तो 7 मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और जब आप p इंटू क्यू करते हो तो 2 इंटू 5 करते हो तो आपको क्या मिलता है 10 मिलता है।
तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये पेयर सेलेक्ट कर लिया। अब इस पेयर को आप किस तरीके से यूज करेंगे, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब रूट टू एक्स स्क्वायर और 5x में से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, x, तो ये √2x और ये 5। ठीक है, अब यहां देखिए 2x और 5√2 में से हमें कॉमन लेना है, तो आप 2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 हमारे पास जो होता है वो √2 इंटू, जब √2 करते हैं तो 2 मिलता है, तो यहां से आप क्या कीजिए √2 कॉमन ले लीजिए। आपने √2 कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस 5। ठीक है, सॉरी √2x+5। ओके, अब √2x+5 जब आपको मिल गया तो देखिए ये जो ब्रैकेट टर्म है दोनों क्या है, सेम है, तो आप √2x+5 कॉमन ले लीजिए अगेन, तो सेकेंड जो टर्म रहेगी वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस एक रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए √2x+5 इक्वल्स टू 0 होगा और एक्स प्लस √2 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहां से आप देखिए x की वैल्यू क्या मिलेगी, √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/√2। ठीक है, और यहां से जो आपको x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू -√2। ठीक है, तो यही दो वैल्यू हमारे पास निकली है x की, क्या x इज इक्वल टू -√2 और x इज इक्वल टू -5/√2। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं क्वाड्रिफिकेशन के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन जब आप ये वैल्यूज में पुट करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाएगा और आपकी जो क्वाड्रिफिकेशन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ पार्ट, 2x² - x+1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, 8 8 2 16, तो ये 16x² और 8 1 8, तो 8x+1 इक्वल टू 0। ये आज 8 इक्वल टू 0, आपको 0 मिलेगा। इक्वेशन क्या रहेगी, 16x² - 8x+1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए p+q इक्वल टू b और b की वैल्यू क्या है आपके पास, -8, और p × q क्या है, ac, और ac जब आप फाइंड आउट करोगे तो 16 × 1 क्या मिलेगा आपको, 16। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो प्राइम फैक्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा आपका, 16 के आप प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और उस प्राइम फैक्टर से आप वो पेयर सेलेक्ट करेंगे जो p+q और p × q की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आप 16 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए 16 के फैक्टर्स क्या पॉसिबल होंगे, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें वो टू पेयर्स बनाने जो p+q को सेटिस्फाई करें, तो वो p+q को सेटिस्फाई करने वाले पेयर क्या रहेंगे, 2 2 4 और 2 2 4। ठीक है, अब देखिए जब आप p+q में ये वैल्यू डालोगे, 4 + 4 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, -8 है, तो -8 लाने के लिए हमें ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये किस में लेनी होगी, माइनस में लेनी होगी, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आना है इतनी जो p+q आना है वो प्लस करने पर आना है, और -4 - 4 क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस के दोनों नंबर आप करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 8, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का। ठीक है, जब आप यहाँ पे p × q में अप्लाई करोगे ये फैक्टर, तो -4 × -4 +16 आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है, p+q भी और p × q भी। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको, 16x² - 4x - 4x+1 = 0। यहां से आप 4x कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, 4x - 1, और यहां से आप -1 कॉमन ले लीजिए तो 4x - 1। आप देखिए ब्रैकेट टर्म सेम है, तो 4x - 1
और ये भी क्या रहेगा, 4x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप इक्वेटिंग कर दीजिए 0 के, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 1/4, और यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो आपको दोनों ही फैक्टर से जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 1/4 मिली है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1/4 और 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से आप फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए कंपेयर कीजिए आप जनरल इक्वेशन से, तो ए क्या रहेगा 100, बी माइनस 20 और सी 1, ठीक है। तो पी प्लस क्यू किसके इक्वल होता है, बी के, इतनी पी प्लस क्यू आना चाहिए आपके पास माइनस 20, और पी एंड क्यू किसके इक्वल होता है, ए सी के, और ए सी से आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करो तो क्या मिलेगा 100। तो यहाँ पे आपको 100 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जब आप 100 के फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो उन्हीं फैक्टर से आपको ऐसा एक पेयर बनाना है जो पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, आप 100 के फैक्टर निकाल लीजिए, 250, 100, 2 से करेंगे तो 25, 5 5 25 और 5 1 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वो पॉसिबल फैक्टर बनाना है हमें, देखिए 2 × 2 करती हूँ 4 मिलता है, और 5 × 5 करती हूँ तो 25 मिलता है। क्या 25 और 4 से मुझे -20 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। और ना ही 25 × 4 जब मैं करती हूँ तो मुझे 100 तो मिल रहा है, देखिए 25 4 100 हो जाएगा, बट मुझे -20 नहीं मिल रहा है, और ठीक है। और हमें पेयर कौन सा चाहिए जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ये पेयर तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दोनों कंडीशन के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेयर ट्राई करते हैं। देखिए 2 × 5 क्या मिलेगा, 10, और अगेन 2 × 5 करते हो तो आपको क्या मिलता है, 10, ठीक है। अब देखिए क्या ये 10 और 10 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यस करते हैं, क्योंकि जब आप -10 + -10 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -20, और जब आप -10 × -10 करते हो तो आपको क्या मिलेगा, +100। तो इससे दोनों ही कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, पी प्लस क्यू वाली भी और पी इंटू क्यू वाली कंडीशन भी, ओके। तो अब आप इसको इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, 100x² -10x - 10x +1 इक्वल्स टू 0। यहां से आप 10x कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास ब्रैकेट टर्म जो रहेगी वो 10x - 1, यहां से आप -1 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट टर्म क्या रहेगी, 10x - 1, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट टर्म सेम है, तो आप ब्रैकेट टर्म को कॉमन ले लीजिए 10x - 1, ठीक है। तो सेकंड जो ब्रैकेट टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, 10x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इक्वेटिंग टू 0 कीजिए, तो ये हमने 0 किया एंड देन 10x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो आपको 1/10 मिलेगी, और यहाँ से भी जो x की वैल्यू मिलेगी वो भी क्या रहेगी, आपकी 1/10 रहेगी, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन से, इतनी जो दोनों फैक्टर आपने फाइंड आउट किए थे, ठीक है, ब्रैकेट टर्म दोनों से ही क्या मिला आपको, 1/10 मिला। तो ये 1/10 आपका क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, ये उसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करने थे, ठीक है। इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। जॉन एंड जिवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, ओके। देखिए यहाँ पे आपको जॉन और जिवांती के मार्बल्स के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों के जो मार्बल का सम है वो क्या है, 45 है, लेकिन हमें सेपरेट दोनों की नहीं पता कि जोन के पास कितने हैं और जीवांती के पास कितने हैं, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा आपको, या तो जोन के या जीवांती के किसी एक के आप अज्यूम कर लीजिए कि एक के पास कितना है, एक्स होगा, तो आप दूसरे के 45 माइनस वो जो वैल्यू आपने अज्यूम की है उसको माइनस करके आप सेकेंड जो कैंडिडेट है जीवांती
उसके फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम करते हैं, लेट द नंबर, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज एक्स। ठीक है, द नंबर ऑफ मार्बल्स जिवांती हैज, जिवांती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स होंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना है 45। तो देखिए आप दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 45 ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ हमें कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, कि दोनों ने 5 5 मार्बल्स को लॉक कर दिया है। ठीक है, खो दिया है, तो जॉन हैज मार्बल आफ्टर लॉस, जॉन हैज मार्बल व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल। ओके, जब जॉन ने 5 मार्बल को लॉस कर दिया तो उसके पास कितने रहेंगे, x-5। ठीक है, जिवांती, जिवांती हैज मार्बल्स व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल। 45 माइनस x माइनस 5, जीवांती के कितने हो जाएंगे, 40 माइनस x। ठीक है, अब इसके बाद जो कंडीशन दी हुई है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, मींस जो 5 मार्बल लॉस करने के बाद जो नंबर ऑफ मार्बल जॉन और जीवांती के पास है उनका प्रोडक्ट कितना आता है, 124 आता है। तो आप इस रिलेशन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए जॉन के पास 5 मार्बल लॉस करने के बाद x-5 थे और जीवांती के पास कितने थे, 40 माइनस x, और दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है आपको, 124 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इस रिलेशन को सिंप्लीफाई कर दीजिए और यहाँ से आप प्राइम फैक्टर की हेल्प से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस इक्वेशन के फैक्टर को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए x इंटू 40 इज 40x, x इंटू माइनस एक्स इज -x2, -5 इंटू 40 इज -200, और माइनस माइनस प्लस 5x, 124। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आप इस इक्वेशन को 120 तरफ, 124 की तरफ मूव कर दीजिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 40x और 5x प्लस के हैं इधर, उधर जाके -45x। ठीक है, ये +200 और इधर क्या आता है, ये +124। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -45x ये कितना हुआ, 324। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगी क्योंकि आपको एग्जाम में ना हर क्वेश्चन में ये पी प्लस क्यू इज इक्वल टू बी, पी इंटू क्यू इज इक्वल टू ए सी, ये नहीं करना है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन में किया ये सिर्फ इसलिए कर रहे थे जिससे आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आ जाए। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको ये फॉलो नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में आपको ये सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करना है कि जो पेयर हमें सेलेक्ट करना है वो क्या पेयर होगा। ठीक है, तो अभी हमने इतनी कोशिश की है तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि प्राइम फैक्टर से आप किस तरीके से पी और क्यू की वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो वैल्यू होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर डायरेक्ट करके चलेंगे, देखिए वो किस तरीके से करेंगे कि अब मैं यहाँ पर 324 के फैक्टर फाइंड आउट करती हूँ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगी मैं यहाँ, आप भी सीखिए चीज को क्योंकि ये ही आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आप ये सब करोगे पी प्लस क्यू पी इंटू क्यू तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये मेथड। ठीक है, वहां पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना लॉन्ग मेथड को फॉलो करो। ठीक है, सिर्फ आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो वो आप इजिली इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहले प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करते हैं, 212, 26 12, 224। ठीक है, 2 8 16, 212, 3 6 326, और ये आपका कितना रहा, 21, तो 3 7 21। ठीक है, 3 9 27, 3
थ्री जा 9 और 3 1 3। अब यहां से आप वो पेयर सेलेक्ट कीजिए जो पी प्लस क्यू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 4 3 12। ठीक है, अब ये तो हमें 12 मिल गया, 3 3 9, 9 3 27। क्या मुझे इससे ये वैल्यू मिलेगी? इट मीन्स पी प्लस क्यू का रिलेशन क्या था हमारे पास, 45। क्या मुझे पी प्लस क्यू का 45 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, वो पेयर यहाँ से एज्यूम करना है। ठीक है, तो वो पेयर क्या हो सकता है, 3 3 9 और 9 4 36। ठीक है, 3 3 9 और 9 4 36 एंड देन अगेन 3 3 9। ठीक है, तो अब आप देखिए 36 और 9 को जब मैं प्लस करती हूँ, ठीक है, ये वाली कंडीशन हम सेटिस्फाई कर रहे हैं पी प्लस क्यू वाली। जब आप 36 और 9 को प्लस करते हो तो बी की वैल्यू आपके पास क्या थी, -45। तो क्या ये वैल्यू मिलेगी? ऑफ कोर्स मिल रही है हमें, 36 और 9 हमें दोनों को यूज करने से क्या मिल रहा है, -45 मिल रहा है। और जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, 324 भी मिलता है। ठीक है, तो ये जस्ट आप इसको रफ में यूज कीजिएगा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो आपको फेयरली करना है वो इस तरीके से ही करना है। तो आप -45 को क्या लिख सकते हैं, 36x और -9x +324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या रहेगा, x -36। यहाँ से आप -9 कॉमन ले लीजिए, x -36 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये ब्रैकेट टर्म सेम है, x -36 और x -9 इक्वल्स टू 0। जब आप इक्वेटिंग टू 0 करेंगे तो x -36 इक्वल्स टू 0 और x -9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 36, और x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 9। तो आप लिख सकते हैं जॉन हैज मार्बल, जॉन हैज मार्बल्स 36 और जिवांती हैज मार्बल्स 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 36 और 9 दोनों ही क्या मिलेंगे, 45 हमें सम दे रहे हैं। हमें यही तो कंडीशन गिवन थी कि दोनों के पास जो मार्बल्स हैं वो क्या है, 45 है, जिसमें हमने जॉन के एक्स अज्यूम कर लिए थे और जीवांती के क्या किए थे, 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए लास्ट में जो हमारे पास जॉन और जीवांती के जो भी मार्बल्स निकले हैं वो उनका सम भी क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। इट मीन जो हमने नंबर ऑफ मार्बल फाइंड आउट किए वो हमने सही वैल्यू फाइंड आउट किया। ठीक है, तो देखिए सेकेंड पार्ट, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए गए किसी दिन और उसका जो कॉस्ट जो दे रखा है वो दे रखा है कि आप 55 में से जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे जब आप करते हो तो आपको उस दिन का क्या मिल जाता है, कॉस्ट मिल जाता है जो भी आपने टॉयज को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, लेट लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, वो आपने एक्स मान लिया। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है, वो क्या रहेगा, 55 माइनस एक्स। ठीक है, और जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, 750 रुपीज है। टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट 750 रुपीज। तो देखिए टोटल कॉस्ट आपको किस तरीके से मिलेगी, जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ वन डे है और जो कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज है, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उस दिन के लिए क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस स्टेटमेंट को, एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू 750। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। ठीक है, आप इधर मूव करा दीजिए इक्वेशन को,
तो क्या रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750। ठीक है, अब देखिए इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, पी प्लस क्यू की फॉर्म में नहीं ब्रेक करना है। देखिए यहाँ ए इंटू सी आपको क्या मिलता है, पी इंटू क्यू मिलता था। ठीक है, तो 750 इंटू वन आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 750। इट मीन आपको 750 के वो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो आपको पी प्लस क्यू वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, देखिए 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10। ठीक है, 5 से कर लीजिए, 5 7 35 और ये 2 आपके पास रहा तो 5 5 25। ठीक है, अब 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15 और ये 3 1 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको वो 2 पेयर बनाने जिससे आपको क्या मिले, प्लस करने पर -55 मिले। ठीक है, तो अब वो पेयर आप यहाँ देखिए किस तरीके से बन सकते हैं, जो 55 लेके आए। देखिए 5 5 25, ठीक है, और ये 5 3 15 और 15 2 30। ठीक है, 15 2 30। अब देखिए 30 और 25 को जब मैं इंटू करूंगी तो मुझे 750 भी मिलेगा, और जब 30 प्लस 25 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 55 भी मिलेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वो कंडीशन जो थी पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन जस्ट आपको रफली करनी है, क्वेश्चन का पार्ट इसको नहीं बनाना है। ठीक है, अब देखिए आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x, ठीक है, और प्लस 750 इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ, एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 30, यहां से आप -25 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 30। ठीक है, ब्रैकेट टर्म सेम है तो आप ब्रैकेट टर्म को कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस 30, तो रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या रहेगी, एक्स माइनस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और एक्स माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 30 मिलेगा और यहाँ से x इज इक्वल टू 25 मिलेगा, कि टू वैल्यूज मिल गई, x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ टॉयज ही फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ टॉयज होंगे, नंबर ऑफ टॉयज क्या रहेंगे, x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25, क्योंकि जो आपने नंबर ऑफ टॉयज एक्स एज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो हमें यहाँ पे एक्स की टू वैल्यूज मिल चुकी है, 30 और 25, जो कि आपके नंबर ऑफ टॉयज के इक्वल होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, हमें वो टू नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो जिनका सम क्या है, 27 है, और उनका प्रोडक्ट क्या है, 182। ठीक है, तो लेट द नंबर, तो यहाँ पे आप पहले फर्स्ट नंबर को अज्यूम कर लीजिए, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर एक्स, तो सेकंड नंबर क्या होगा आपके पास, क्योंकि सम आपको 27 गिवन है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। अब जो दोनों का प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है, 182। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 27 इंटू एक्स 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पी क्यू होगा वो क्या होगा, ए इंटू सी, तो 1 इंटू 182 करोगे तो 182 आ गया। अब 182 के आप फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए, 182 के फैक्टर से वो पेयर आपको सेलेक्ट करना होगा जो आपकी मिडल टर्म वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो 2 9 18, 2 1 2। ठीक है, अब आप इसको 7 से कर सकते हैं, 7 1 7, 2 7 3 21। ठीक है, और 13 1 13, तो देखिए 2 7 14 और 13, यहाँ से मुझे जो पेयर मिल रहा है वो 14 और 13 मिल रहा है। अब देखिए मैं 14 और 13 को जब प्लस करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 27 मिलेगा, और जब 14 इंटू 13 करूंगी तो क्या मिलेगा, 182 भी मिलेगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट आया था आपका पी इंटू क्यू किसके इक्वल होता था, ए इंटू सी के। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है,
तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो ये x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लिया, तो अगेन x माइनस 14, ब्रैकेट टर्म सेम, तो ये कॉमन ले लीजिए x माइनस 14, रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी आपके पास, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 14 मिलेगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 13। इट मीन जब आप फर्स्ट नंबर 14 लेते हो, फर्स्ट नंबर 14, तो सेकंड नंबर क्या है आपके पास, 27 माइनस 14, तो क्या मिलेगा आपको, 13। ठीक है, और जब आप फर्स्ट नंबर 13 लेते हो, तो जो सेकंड नंबर है वो क्या रहेगा, 27 माइनस 13, तो आपको क्या मिलेगा, 14। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, आपको दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम करने हैं, और इस तरीके से अज्यूम करने के जब आप उनका स्क्वायर करो तो उनका सम क्या आना चाहिए, 365 आना चाहिए। ठीक है, तो लेट लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस वाई। ठीक है, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन स्क्वायर, तो आपको सम क्या मिलता है, तो स्क्वायर का 365। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इक्वल्स टू 365। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364, ऑल आर इवन टर्म, तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 वन जा 2, 2 8 16 एंड 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे जो AC का प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या रहेगा, 182, और जो सम है आपका P प्लस Q का वो क्या है, 1। इट मीन्स आपको 182 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने, और उन फैक्टर से वो पेयर सेलेक्ट करना है जो आपको क्या दे, प्लस वन दे। ठीक है, तो देखिए 2 9 18, 2 1 2 7 से आप करोगे तो 13 टाइम्स, एंड देन 13 दे 1 टाइम। ठीक है, तो ये क्या रहा, 7 2 14, और 14 और 13, जब आप 14 माइनस 13 करोगे तो आपको प्लस वन मिलेगा, और जब 14 इंटू 13 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 182 मिलेगा, लेकिन हमें 182 किसका चाहिए, माइनस का, तो इसलिए हमें कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, -14 प्लस 13 करना पड़ेगा, तब आपको सॉरी +14 और -13 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू है वो किसमें, प्लस वन चाहिए, तो प्लस वन कब मिलेगा, जब आप +14 करोगे और -13 करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वन, लेकिन जब आप 14 इंटू -13 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 182। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप x कॉमन लेके x प्लस 14 आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप 13 कॉमन लेते हैं माइनस, तो ये x प्लस 14। क्लियर हुआ? अब ब्रैकेट टर्म सेम है, तो x प्लस 14 आप अगेन कॉमन ले सकते हैं, तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, एक्स माइनस 13। ठीक है, जब आप इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको एक्स इक्वल टू माइनस 14 मिलेगा, और जब आप एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 करते हैं तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 13 मिलेगी। ठीक है, अब जो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थी, इट मीन जो नंबर थे टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो वो इंटीजर्स आपके पास क्या हो जाएंगे, ठीक है, आपको इंटीजर्स फाइंड आउट करने थे ना, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जब आप इंटीजर्स फाइंड आउट करोगे तो इंटीजर को आपने क्या माना था, एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, 13, और सेकेंड इंटीजर आपके पास क्या था, एक्स प्लस वन, ठीक है, तो वो क्या होगा, 13 प्लस 1 इक्वल्स टू 14। इस तरीके से आपको वो टू कंसेक्यूटिव टर्म मिल गई जिसके जो आपको फाइंड आउट करनी थी।
वो क्या है आपके पास 13 एंड 14। ओके, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13। तो देखिए हाइपोटेन्यूज क्या दे रखी है आपको, 13 गिवन है, ठीक है, और जो बेस है, जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से। तो आप बेस को क्या ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, तो एल्टीट्यूड क्या रहेगा 7 सेंटीमीटर लेस, इट मीन्स क्या हो जाएगा x-7। ठीक है, फाइंड द अदर टू साइड। ठीक है, तो हमें हाइपो गिवन दिया हुआ 13 और बेस और परपेंडिकुलर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल का रिलेशन हमें गिवन दे रखा है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस अप्लाई कीजिए, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी आपके पास क्या गिवन है, x-7 होल स्क्वायर और बी सी x2, ये आपके पास 13 गिवन है। ठीक है, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, तो x2 + 49 - 14x, 7 × 14। ठीक है, x2 और ये 169, x2 + x2 2x2 - 14x, 169 को इधर मूव कीजिए और फिर +49 and -169, तो आपको क्या मिलेगा -120 इक्वल टू 0। इवन टर्म है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x2 - 7x - 60 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ए एंड सी का जो प्रोडक्ट आप निकालोगे वो क्या मिलेगा, -60। तो आपको यहाँ पे 60 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने और वहां से वो पेयर सेलेक्ट करना है जो माइनस करने पर आपको क्या दे, -7 दे। ठीक है, तो देखिए आप 60 के फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए, तो 60 के पेयर क्या हो जाएंगे, 2 से करोगे तो 30, एंड देन अगेन 2 से तो 15, 5 3 15 और 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ जो फैक्टर है जो 7 दे, देखिए 2 × 4 मैं करती हूँ, ठीक है, 2 × 4 और 5 3 15 करती हूँ, तो क्या मुझे माइनस करने पर 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ सी के साथ माइनस है, इट मीन्स ये जो टर्म मिलेगी वो हमें माइनस करने पर ही मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर 15 - 4 करने पर तो मुझे -7 नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ क्या करती हूँ, 3 3 2 6 और 6 2 12। ठीक है, और 12 और 5 ये पेयर ले लेती हूँ, 12 और 5 का। अब यहाँ पे 12 में से मैं 5 माइनस करती हूँ तो मुझे 7x मिलता है, और जब 12 × 5 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, हमें माइनस का 7 चाहिए, इतनी जो नंबर है वो मुझे -12 और +5 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं -12 + 5 को P+Q में यूज करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, -7 मिलेगा, और जब -12 × 5 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, -60। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप इसको किस तरीके ले सकते हैं, x2 - 12x + 5x - 60 = 0। एक्स कॉमन लिया, x-12, यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, x-12 = 0। ब्रैकेट टर्म सेम है, कॉमन ले लीजिए और ये आपके पास रिमेनिंग टर्म रह जाएगी। ठीक है, अब यहाँ x-12 = 0 और x+5 = 0, यहाँ से x = 12 मिल जाएगा और यहाँ से x = -5। ठीक है, तो देखिए आपने बेस क्या अज्यूम किया था, x अज्यूम किया था, तो आपको क्या मिल गया, बेस 12, और जो एल्टीट्यूड था, एल्टीट्यूड वो x-7 था, इट मीन 12-7, तो वो क्या मिलेगा आपको, 5। तो आपका बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर हो गया और जो एल्टीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, नंबर 6, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखिए जो एक क्वेश्चन में आपको जो रिलेशन गिवन है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स के बीच में गिवन है। ठीक है, और आपको इस भी रिलेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे अज्यूम कर लीजिए। ठीक है,
तो लेट लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, वो क्या मान लिया आपने, एक्स मान लिया, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या गिवन है हमें, कि वो थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल का मतलब क्या हो गया, 2x। अब उसे थ्री मोर देन है तो आप थ्री उससे ज्यादा कर दीजिए, तो जो कॉस्ट आई वो क्या आ गई आपके पास, 2x+3, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट जो गिवन है, टोटल कॉस्ट आपके पास क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट वो आपको 90 दी हुई है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कैसे आप निकालेंगे, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे जो प्रोड्यूस हो रहा है और जो उस आर्टिकल की कॉस्ट है, दोनों को आप इंटू कर दीजिए। इट मीन्स द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का प्रोडक्ट जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्स इंटू 2x+3 इक्वल्स टू 90। आप सिंप्लीफाई कीजिए, 2x² + 3x इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो इक्वेशन क्या रहेगी, 2x² + 3x - 90 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ए और सी का वो क्या रहेगा, 90 × 2 = 180। इट मीन जो पी और क्यू का प्रोडक्ट, जो आप पी इंटू क्यू निकालते थे, देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से उसी मेथड से आपको करके दिखा रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, जिससे वो क्लियर हो जाए आपको मेथड हम किस तरीके से अप्लाई करते थे। देखिए यहाँ पर पी प्लस क्यू किसके इक्वल होता था, बी के, जो क्या गिवन है आपको, 3, ठीक है। और पी इंटू जो क्यू आप फाइंड आउट करते थे वो क्या होता है, ए और सी का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो क्या होगा, 2 × -90, तो आपको क्या मिलेगा, -180, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 180 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, और 180 के फैक्टर से आपको वो पेयर सेलेक्ट करना है जो पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो 180 के फैक्टर आप फाइंड आउट कीजिए, तो क्या होंगे, 290, 80 हो जाएगा, 245, ठीक है। अब यहाँ पे 31, 31 3, और ये 3 5 15, अगेन 3 5 15, और 5 1 5। देखिए आपको क्या चाहिए, +3 चाहिए, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -180, ठीक है। तो वो पेयर आपके क्या हो जाएंगे, 5 3 15, देखिए ये मैं 5 3 15 करती हूँ, और यहाँ से 3 2 6 और 6 2 12, ठीक है। अब देखिए 12 15 - मैं 12 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 3। तो आप इस कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं, कि 15 - 12 करने पर आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब देखिए क्या मल्टीप्लाई करने पर 180 मिलता है, ऑफ कोर्स। देखिए जब आप 15 × -12 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -182 भी मिलेगा। तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, आप जब मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, 2x² + 15x - 12x - 90 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लीजिए, देखो 2x² 15x² में से क्या कॉमन आता था, x, तो ये आपके पास रहेगा 2x+15, ठीक है। अब यहाँ से ब्रैकेट टर्म सेम करनी है तो आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आप 6 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 6 कॉमन लेंगे तो 6 2 12 और +15, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये x × 2x+15, यहाँ -6 कॉमन लिया तो ये 2x+15। अब देखिए ब्रैकेट टर्म सेम है तो आप 2x+15 को कॉमन ले लीजिए, 2x+15, ठीक है। यहाँ से क्या रहेगा, x - 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप इक्वेटिंग 0 कर दीजिए तो ये, और x - 6 इक्वल्स टू 0,
यहाँ से आपको जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो 15 और एक्स इज इक्वल टू -15/2, और यहाँ से जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें जो एक्स की वैल्यू मिली है वो -15/2 और एक्स की वैल्यू क्या मिली है 6, टू वैल्यूज मिली है। तो हमने जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसको एक्स अज्यूम किया था, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स -15/2 तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इट मीन नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके -15/2 नहीं हो सकते। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो क्या है आपके 6 है। ठीक है, और कॉस्ट जो आपने अज्यूम की थी वो कॉस्ट क्या थी आपके पास 2x+3। ठीक है, अब आप ये 6 वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो 6 2 12, ठीक है, 2 × 6+3, तो 6 2 12, और 12+3 इज 15। तो आपके पास जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स की कॉस्ट आई है पर डे की वो क्या आ चुकी है 15। हमें यही फाइंड आउट करना था कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं ऑन दैट डे वो कितना है, और जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स है इट मीन ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास निकले हैं वो एक्स हैं, और जो कॉस्ट है वो क्या है 15 रुपीज। ठीक है, तो देखिए होप सो आप सभी को ये क्लियर हुआ हो जो भी हमने मैथड डिस्कस किए हैं। फिर से मैं यही चीज बार बार आपको बोल रही हूँ कि जो P+Q और P × Q की जो कंडीशन हम यूज कर रहे हैं बार बार क्वेश्चन में वो हमें नहीं यूज करनी है। आप उसको माइंड में कीजिए, या फिर आप उसको रफली कहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज आप फेयरली करोगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं लेंदी हो जाएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग ही रहेगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसे क्लियर हो जाएगा, आप इजिली सेलेक्ट कर पाएंगे कि जो पेयर है वो क्या पेयर आपको सेलेक्ट करना है जो P+Q और P × Q की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने डाउट को सेंड कीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।